मेरे अति प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्यार से अभिवादन करता हूँ। खुशी के साथ रहते हैं, प्रभु यही चाहते हैं आप हमेशा खुशी आनंद में रहें। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप हमेशा आनंद और खुशी के साथ रहें। किसी भी बातों में आप चिंता ना करें। इसलिए परमेश्वर आज यिर्मयाह नबी 30 अध्याय से 17 वचन में, मैं तेरा इलाज करके तेरे गांवों को चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हें इलाज करूंगा और चंगा करूंगा। सबसे पहले परमेश्वर चंगा करने के लिए कहता है। आप कहते हैं बहुत उम्र हो गया इसलिए मुझको ऐसे बीमार आ गया, ऐसे नहीं। आप कमजोर हो सकते हैं लेकिन आप बीमार नहीं होना। परमेश्वर यही कहना चाहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हें इलाज करके पूरे बीमारी को चंगा करूंगा। आपको बीमारी से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे सारे रोगों को प्रभु चंगा करता है। यशायाह 53 की 5 में लिखा, उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा एक ही बार छूने से आपका सारा रोग चंगा हो जाएगा। चाहे कितने बड़े बीमारी भी हो, यीशु मसीह की लहू के द्वारा पूरा वो चंगा हो जाएगा। आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सारे रोगों को परमेश्वर आपसे दूर करेंगे। जी हाँ, यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर सबको ठीक करेंगे और इलाज भी करते हैं। जी हाँ, जब दुर्घटना होती है उसमें हमारा शरीर जो है घायल हो जाता है ना, उसको ठीक करते हैं। लेकिन हमारा मन में जब चोट लगता है उसको भी प्रभु ठीक करते हैं। अंदरे अंदर घायल होते हैं। एक बार एक बहन बहुत दुख के साथ आई थी। उस बहन मेरे पास आके अपने रोगों को चलते इतनी रो रही थी, इतनी दुख में था। मैंने सोचा इनके बीमारी है, इनके लिए प्रार्थना करना। लेकिन उसको मैं देखा था, उनका चेहरा में इतना उदास था। तो मुझे पता चला, मैंने मने मन प्रार्थना किया था तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, इस स्त्री बहन जो है अंदरे अंदर मन में बहुत छोटे घायल के साथ रहती है, मैं इनको बीमारी को ठीक करूंगा और मन के दुख को भी इनको मैं दूर करूंगा करके प्रभु ने मुझसे कहा था। और उसके मन में तसल्ली देने के लिए प्रभु चाहता था। मैंने उस बहन से बातें किया, बहन आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो ये रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके मन की गहराई में एक चोट है इसलिए आप बाहर बोल नहीं पाती, दुख में है। मैं जैसे ही उनसे बातें की, वो बहन फूट फूट के रो रही थी। शायद उसके परिवार वालों के सदस्य के चलते परेशानी है, बाहर बोल नहीं पाती है। बाहर बोलने के चलते पति को और परिवार के रिश्तेदारों के बीच में कुछ दुख हो जाएगा, इसलिए उस बहन बोलने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा, आज आपके दिल की चोट को प्रभु दूर करेगा और आपके मन में प्रभु तसल्ली देगा। मैंने उन बहन से कहा, आज आपका मन की गहराई में जो चोट है उसको चंगाई करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह की आत्मा में वो दुखित हुए हैं। कलवारी क्रूस पर जाने के पहले यीशु की उस आत्मा में मृत्यु के सहने के जैसे उनके मन में इतना दुख आ गया। यीशु को आपका मन को मालूम है, वो दुखों को सह लिए। इसलिए आप भी अपने मन खोल के यीशु मसीह के पास आज जो है अपने दुखों को बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा हमारे मन की अंदर के चोट को यीशु मसीह दूर करेंगे। मैंने उस बहन से कहा, आज आप मुंह खोल के कहना है, आपका मन में कैसे भी दुख हो तो उसको खोल के बोल दीजिएगा तो परमेश्वर उसको ठीक करेगा। जैसे ही उस बहन को मैंने कह रहा था, उस बहन ने उसी दिन वह अपना मुंह को खोल रही थी और अपना मन को खोली और फुट फुट कर रोई और प्रार्थना की।
अपना मन खोल के सब कुछ बोल दी तो मैं उस बहन के लिए प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना का बाद उस बहन को मन में इतना तसल्ली मिला, जी हाँ परमेश्वर ने उसकी दुखों को दूर कर दिया है। जी हाँ, शायद आपका जीवन में भी ऐसे ही मन में दुख के साथ आ जाए हैं। आपका मन में बहुत दिन के पहले एक चोट हुआ है, उस चोट के चलते आपका मन बहुत ही उदास है, आपका शरीर में बहुत ही रोग के साथ है, मन में दुख के साथ आ जाए। शायद किसी भाई या बहन के चलते, उसके वचन के चलते आपको मन में इतना दुख आया, वो घायल जैसे हो गए, वो ठीक नहीं हो पा रहा, बहुत दिन से आप अपने मन में उदास में। इसलिए आज मन खोल के, मुंह खोल के परमेश्वर से अपने दुखों को बोलना है। आपका चाहे बीमारी है या मन में दुख घायल का साथ है, तो परमेश्वर आज ही उस दुखों को ठीक कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मैं इनके दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, और सारे रोगों को चंगा करने के लिए तूने वादा किया है, इनसे सारे रोगों को तू आज ही दूर करना है। इनकी मन की दुखों को तू जानता है, लंबे दिन से इनका मन उदास में है, घायल हुआ है, तू प्रभु इनको चंगा करना है, सारे रोगों को चंगा करने के लिए तूने वादा किया, दुखों को दूर करने के लिए इस भाई इस बहन की दुखों को, इनके मन की दुखों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं आज प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।